हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि राउटर से कनेक्टेड जितने भी डिवाइस हैं अगर आप उनको ब्लॉक करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ब्लॉक का मतलब यह है कि अगर किसी भी डिवाइस को आप ब्लॉक करते हैं तो मुझे इस राउटर का अगर पासवर्ड पता भी रहेगा तब भी हम उस डिवाइस में इस राउटर को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी डिवाइस को अगर ब्लॉक करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसको समझने के लिए हम इस राउटर को इस मोबाइल में कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस मोबाइल को हम ब्लॉक करेंगे। इस राउटर को इस मोबाइल में कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले वाईफाई के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे बहुत से SSID आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इस राउटर का जो SSID है TP-Link राउटर है, आप इसको टैप करेंगे तो ये पासवर्ड के लिए पूछेगा। आपको इस राउटर का पासवर्ड इंसर्ट कर लेना है। पासवर्ड इंसर्ट करने के बाद आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है और आप देखेंगे कि ये जो राउटर है इस मोबाइल में कनेक्ट हो गया है। तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि इंटरनेट एक्सेस हो रहा है या नहीं। तो क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं और एक बार इंटरनेट स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं करंट में इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। तो मुझे इस मोबाइल को ब्लॉक करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि राउटर से कनेक्टेड जितने भी डिवाइस हैं अगर आप उनको ब्लॉक करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और अपने राउटर को वायरलेसली सिस्टम में कनेक्ट कर लिया हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं TP-Link राउटर, ये मेरे राउटर का SSID है। राउटर को कनेक्ट होने के बाद आप कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करेंगे और वेब URL में राउटर का जो डिफ़ॉल्ट IP है वो इंसर्ट करेंगे। IP इंसर्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है और आप देखेंगे कि राउटर का पेज आ जाता है। राउटर का डिफ़ॉल्ट IP कैसे देखा जाता है इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर राउटर का यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाता है। तो करंट में इस राउटर का जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो एडमिन है। यूजर नेम और पासवर्ड इंसर्ट करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और आप देखेंगे कि आपका राउटर लॉगिन हो जाता है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं बहुत से ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आपको DHCP ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। फिर DHCP क्लाइंट लिस्ट दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। DHCP क्लाइंट लिस्ट का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस राउटर में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनका ये लिस्ट है। तो जिस भी डिवाइस को अगर आपको ब्लॉक करना है उस डिवाइस का आपका मैक कॉपी करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट किया हूँ, तो इस मोबाइल का जो नाम है Redmi Note 4 है। तो मुझे इस मोबाइल को अगर ब्लॉक करना है तो मुझे इस मोबाइल का जो मैक है वो कॉपी कर लेना है। मोबाइल का मैक कॉपी करने के बाद आपको वायरलेस 2.4 GHz का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर वायरलेस मैक फिल्टरिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। वायरलेस मैक फिल्टरिंग का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरलेस मैक फिल्टरिंग, यहाँ पे डिसेबल और इनेबल दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल ही रहता है, तो सबसे पहले आपको इसको इनेबल करना है। तो इनेबल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। थोड़े टाइम प्रोसेसिंग होता है और आप देखेंगे कि वायरलेस मैक फिल्टरिंग इनेबल हो जाता है। नेक्स्ट आपको फिल्टरिंग रोल्स दिखाई दे रहा होगा, डेनी पर ही क्लिक हुआ है, आपको ऐसे ही रहने देना है इसको। नीचे आप देखेंगे ऐड न्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो मैक एड्रेस एंट्री के लिए पेज आ जाता है। यहाँ पे मैक एड्रेस डिस्क्रिप्शन और स्टेटस पूछा जाता है। तो मैक एड्रेस में आपने जो मैक कॉपी किया है यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। डिस्क्रिप्शन में आप उस डिवाइस का नाम लिख सकते हैं, आप अपनी जानकारी के लिए कि किस डिवाइस को आपने ब्लॉक किया है। तो जैसे मैं यहाँ पर नोट 4 लिख ले रहा हूँ। स्टेटस ऑप्शन में आपको इनेबल और डिसेबल सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाता है, आपको यहाँ पर इनेबल सेलेक्ट करना है। मैक एड्रेस डिस्क्रिप्शन और स्टेटस ये सब होने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो इस मैक का जो भी डिवाइस रहेगा वो ब्लॉक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेव पर क्लिक करूँगा और आप देखेंगे मोबाइल में राउटर डिस्कनेक्ट हो गया है। और अगर आप जिस डिवाइस को ब्लॉक किए हैं अगर उसको अनब्लॉक करना है तो क्या करना है, यहाँ पे आपको चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे डिसेबल सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डिसेबल पे क्लिक करेंगे आपका डिवाइस अनब्लॉक हो जाता है और आप फिर से राउटर को कनेक्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही वायरलेस 5 GHz बैंड में जो भी डिवाइसेस कनेक्ट रहेंगे आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं। आई होप कि राउटर से कनेक्टेड जितने भी डिवाइस हैं अगर आप उनको ब्लॉक करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।